हेलो मेष राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नवंबर मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा जाने वाला है। नवंबर मंथ में आपके पार्टनर की और आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या रहने वाली है। ये फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं होता है, सिर्फ नवंबर मंथ के लिए है। और यस, थोड़ी गाइडेंस हम देख सकते हैं कि क्या करने से रिश्तों में सुधार लाया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ के लिए मेष राशि। नवंबर मंथ में आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली है मेष राशि? आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली है नवंबर मंथ में? सन विक्ट्री एंड द टेंपल पाथ। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि बस आप जो है उनके साथ हमेशा ही कनेक्ट रहने वाले हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको अपने कंट्रोल में कर लिया है बहुत ज़्यादा। जैसा आप जैसा वो चाहते हैं उसी तरह आप रहेंगे हमेशा। इन फ्यूचर भी जैसा आप जैसा वो चाहते हैं उसी तरह आप रहने वाले हैं। नवंबर मंथ में ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं। हर बात में वो अपना ईगो दिखा सकते हैं। हर बात में वो आपके अकॉर्डिंग ना चल के उनके अकॉर्डिंग आपको चला सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको भी ऐसा फील होगा कि ये रिश्ता क्यों, मतलब कि मैं जुड़ी हुई हूँ या जुड़ा हुआ हूँ इस रिश्ते से, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा ये कहें कि रेस्पेक्ट, सबसे मेन में जो कहूंगी वो रेस्पेक्ट हुआ, फील नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते में। तो आपको कहीं ना कहीं नवंबर मंथ में ये लग सकता है कि मैं क्यों जुड़ा हुआ हूँ इस रिश्ते से, जबकि मुझे यहाँ पर कोई रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, जबकि मुझे यहाँ पर कोई अपनापन नहीं मिल रहा है। मेरा जो पार्टनर है वो बहुत ही डोमिनेटिंग है, इगोस्टिक है, वो बहुत ज़्यादा अपने अपने ही बातों पर अड़िग रहने वाला है। कुछ चीज़ों के बारे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगे, आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचने लगे, अपने करियर पे फोकस करें। और हो सकता है कि आप आपके पार्टनर से ये बात कह भी दें कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही हो या कर रहे हो, या फिर हमारा फ्यूचर एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। तो कुछ टाइम आप उनसे मांग सकते हो। आप वेट आप कहोगे कि थोड़ा वेट हमें करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पर मुझे हैप्पी फैमिली कार्ड स्ट्रांगली ये भी दिखा रहा है कि हो सकता है कि अगर आप अनमैरिड है तो शादी के लिए कोई बात हो सकती है, शादी के लिए कोई रिश्ता आ सकता है नया। और अगर आप मैरिड हैं तो कंसीव करने के भी स्ट्रांग चांसेस हैं। और अगर यहाँ हम लव रीडिंग की बात कर रहे हैं तो आप अपना फ्यूचर किसी और के साथ देखते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि आपको लगेगा कि ये पार्टनर मुझे बहुत डोमिनेट कर रहा है और शायद इसके साथ जो रिश्ता था वो यहीं तक ही था और आगे शायद ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि आप इस रिश्ते के बारे में फिर से एक बार सोचें और अपनी नई लाइफ की शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। और हम देखते हैं मेष राशि नवंबर मंथ में आपके पार्टनर की तरफ से क्या रहने वाला है इस रिश्ते को लेकर। इंटीग्रेशन, नथिंगनेस, एक्सॉशन। मेष राशि, आप क्या सोचेंगे? बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं, बहुत ज्यादा मन में उधड़ बुन चल रही है कि क्या करूं, कैसे करूं। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है कि कोई तो होगा जो जिससे आप प्रॉपर, मतलब पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। आपकी मैरिज के भी, मतलब होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस है। मैरिज इट मीन्स कि आपकी सगाई के होने के भी बहुत स्ट्रांग चांसेस है। कोई नया रिश्ता आए, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुराने पर्सन के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको समझ आएगी। जब जैसे ही आप दूर हो जाएंगे उनको समझ आएगी कि
उन्होंने क्या खो दिया है, कि उन्होंने अपने बिहेवियर की वजह से उन्होंने खुद का कितना नुकसान कर दिया है। लेकिन यहाँ पर मुझे आपके लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ नई लाइफ आपका इंतजार कर रही है। नवंबर मंथ में कुछ नया पर्सन, कोई नया रिश्ता, कोई नई लाइफ से आप जुड़ने वाले हैं डेफिनेटली, और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये रिश्ता था आपका, या जिस रिश्ते के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक कार्मिक रिश्ता होता है ना, कि कुछ पल के लिए आना और कुछ सिखा के चले जाना। तो ये वैसा रिश्ता था जो कि आपको अभी बहुत ज्यादा एग्जॉर्ट कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि बस मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, अभी मुझे आगे के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर नवंबर मंथ कहता है कि यस, आप सोचेंगे, मूव ऑन करेंगे, कुछ नई शुरुआत करेंगे, कुछ नए अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगेंगे। ओवरऑल मैं देखूंगी एक बार कि कैसा जाएगा नवंबर मंथ आपकी लव लाइफ के लिए, मेष राशि। द मून, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, द एम्प्रेस। ओके, दो बार द एम्प्रेस आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिश्ता था वो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, जिससे कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और जाते हुए मुझे नजर आ रहे हो, मीन्स शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हो। दूसरी कंट्री में जा सकते हो, दूसरे देश में जा सकते हो, दूसरी जगह जा सकते हो। आपके चाहे जॉब की वजह से हो, चाहे किसी भी वजह से, आप यहाँ से शिफ्ट करते हुए, अपनी जगह से शिफ्ट करते हुए आप नजर आ रहे हो। और आप में जो चेंजेस होंगे, आपका जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। यहाँ नवंबर मंथ में मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि हो सकता है, देखो जैसे मैंने बोला कि कोई ना कोई ऐसा है जो डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड मुझे फिर से वही दिखा रही है कि जैसे ही वो अपनी तलवार उठाएंगे आपके पार्टनर, वैसे ही आपको समझ आ जाएगा कि बस बहुत हो गया। तो वो ही चीज मुझे यहाँ पे अगेन दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसा बोलेंगे जो आपको बहुत ही इमोशनली हर्ट हो जाएगा, कि मैंने इतने दिन तक सुना, मैंने इतने दिन तक विश्वास किया, मैंने बहुत पेशेंस रखा, लेकिन अब मुझ में पेशेंस नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट होगा, और वो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन आप उसे इग्नोर करे जा रहे थे। और इस महीने मुझे लगता है आपको सही रास्ते नजर आ जाएंगे, सही गाइडेंस आपको मिल जाएगी। उनकी जो बातें होगी वो ऐसी होंगी कि आपको लगेगा कि बस अभी यहाँ पर स्टॉप करते हैं। और आगे आपको मुझे यहाँ पर बहुत ही कुछ न्यू जर्नी दिख रही है, न्यू प्रॉस्पेरिटी दिख रही है लाइफ में आती हुई। तो जो भी चीजें हैं उसको मुझे ऐसा लग रहा है एंड करके आप अपने लाइफ की नई शुरुआत यहाँ पर करने वाले हैं। चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं नवंबर मंथ के लिए। आपके पार्टनर के मैसेजेस नवंबर मंथ के लिए क्या रहने वाले हैं? रिट्रीट। ओके, द फीलिंग्स। ओके, ठीक है। आपके पार्टनर भी आपसे कहना चाहते हैं कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, मीन्स कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खोकर उनके करीब है। जैसा कि मैंने बोला कि आप बहुत टाइम से उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी आपको कह देते हैं, कैसा भी बिहेव करते हैं, आप बहुत ज्यादा माइंड नहीं कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि ठीक है चलने दो। तो उनको कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि भाई ये अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो चुका है ये पर्सन, और फिर ये मेरे बिना जी ही नहीं सकता, तो इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो वो मन ही मन वो आपको बताना चाहते हैं कि पहले खुद से प्यार करो, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए जीना सीखो, उसके बाद तुम किसी से प्यार कर सकते हो। रिट्रीट यहाँ पे कहता है कि भाई डिसकनेक्ट कर दो इस मतलब कि और दूसरी एनर्जी से डिसकनेक्ट हो जाओ, और एक नई शुरुआत करो, एक फिर से नई शुरुआत करो। हो सकता है कि आप अपनी डिसीजंस खुद नहीं लेते हैं, आप हर बात में अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, जो भी क्लोज वन है आपके, उनसे बार बार कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते हैं, आप उनसे ही पूछते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पर्सन चाहते हैं कि आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। हो सकता है वो आपको इसीलिए डोमिनेट कर रहे हैं बिकॉज आप खुद के डिसीजंस खुद नहीं ले पाते हैं, आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को साइड में रखकर आप उनसे प्यार करते हैं। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव मतलब कि आप बहुत जल्दी उन पे ट्रस्ट खो भी देते हैं,
कि कहीं आपको ऐसा लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, तो वो आपकी तरफ से भी मतलब कि रहता है कि आप उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पर कह रहे हैं कि दूसरों से डिसकनेक्ट होने की कोशिश करो, अपने मन से प्यार करना सीखो, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट मत खो और पॉजिटिव सोचो, ट्रस्ट करो मुझ पर। तो कहीं ना कहीं ये सारे मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए आ रहे हैं यहाँ पर। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए है, क्या गाइडेंस आपके लिए है जिससे कि इस रिश्ते को आप बेहतर बना सकें। अगर आप मूव ऑन नहीं करना चाहेंगे इस रिश्ते से और इसको ही बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर अगर आप किसी नए रिश्ते से जुड़ते हैं और आपको लगता है कि जो गलती है इस बार की वो मुझे मैं अगली बार ना दोहराऊं, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो ये गाइडेंस आप अपने लिए ले सकते हैं। देखिए फिर से रिन्यूअल का ही कार्ड आया है, चक्री, ग्रिप, विक्टिम एंड ग्रोथ। बहुत ज्यादा हार्ट चक्र आपका जो है वो अभी मुझे लग रहा है कि ब्लॉक हुआ हुआ है। बहुत जल्दी जल्दी आपको रोना आ जाता होगा, बहुत जल्दी इम्पेशियंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी भी हो जाते हैं, और बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि बस अब यहाँ से निकल भी जाऊँ मैं। मतलब बहुत ज्यादा हर्ट हुए हुए आप लग रहे हो मुझे यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बार बार आपको आपको ऐसा लगता है कि बार बार मुझे ही क्यों हर्ट होता है, हर इंसान मुझे ही आके क्यों चीट कर जाता है, तो वैसी वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर ये कार्ड आपको गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा सा चालाक बने। चालाक बनने का मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ आप गलत बात कर रहे हैं या ट्रिकरी बन रहे हैं, ट्रिक्स खेल रहे हैं, ऐसा नहीं बनना है। चालाक बनने का मतलब ये है कि कोई पर्सन अगर आपके साथ ट्रिक खेल रहा है तो आपको समझ आ जाना चाहिए, और उस पर्सन के लिए आपको दुख नहीं मनाना है। आपको ये समझना है, आपको बहुत स्ट्रांग बनना है, आपको विक्टिम नहीं बनना है, और आपको उस चालाकी को समझ के और आपके ऊपर वो चीजें काम ना आए ऐसा बनना है। खुद में आपको बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाने की जरूरत है, आपको रिन्यूअल करना है, अपने आप को पूरी तरह से रिन्यूअल करना है। उसके लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आप स्ट्रांग बने, कॉन्फिडेंट बने, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अपना कॉन्फिडेंट बहुत जल्दी खो देते हैं, बहुत जल्दी आप दुखी हो जाते हैं। किसी कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है, बहुत जल्दी उससे कनेक्ट हो जाते हैं, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है ये ही मेरी दुनिया है बस। तो सबसे पहले आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी पर्सन आपकी दुनिया तब तक ना बने जब तक कि आप बनने ना दे। नवंबर मंथ के लिए स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर आपके लिए लग रहा है मेष राशि, आपकी ग्रोथ आप ही की वजह से हो सकती है अगर आप पॉजिटिव सोचे, अगर आप स्ट्रांग रहे, अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर सके, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके। किसी के लिए बहुत जल्दी रोना भी नहीं है और किसी के आने से बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना है। जब आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से सारे दुख चले गए हैं, आपको बहुत ज्यादा हर्ट ही नहीं होने लगा है, आप अपने आप में जीने लगे हैं, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे पहले आ गया है, और एक कहते हैं ना एटीट्यूड में आप आ गए हो, तो वो एटीट्यूड यहाँ पर आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन कब, जब आप बहुत ज्यादा इमोशंस किसी के लिए लेकर नहीं रखेंगे, अपने इमोशंस को पूरी तरह से बैलेंस रखेंगे, तब ही आप मतलब कि आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में, और ऐसे इन सब चीजों को आप तब अपनी लाइफ में ला सकते हैं जब आप ये सोच लें कि जो भी आज तक हुआ, पास्ट में मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मुझे लेसन मिले हैं, और उनको लिखे, एक पेपर ले और लिखने की कोशिश करें कि क्या क्या सीखा आपने उनसे। 11 डेज तक डेली उस उनको पढ़ें कि मैंने क्या क्या सीखा। आप देखेंगे कि वो पढ़ते पढ़ते 11 डेज में आप में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, आप समझ गए हो कि अब मुझे लाइफ कैसे जीनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में चेंजेस लाना। सिर्फ ये जानना कि क्या होने वाला है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए चेंजेस लाना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली होगी, और मिली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और डेफिनेटली आप नवंबर मंथ में अपने आप में बहुत सारे चेंजेस कर पाएंगे, बहुत पॉजिटिव अपने आप में चेंजेस देख पाएंगे। ये दिवाली आपकी बहुत खुशियाँ लेकर आए। थैंक यू सो मच।